आज हम लोग विजयनगर पहुंचे अपने साथियों के साथ और हमने यहाँ लोगों से बातचीत की और यहाँ के मौके पर हालात देखे। सीवर की व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे और जो गलियाँ हैं ये वो गलियाँ हैं जिनमें 2018 में मैंने एक RTI लगाई थी जिसके माध्यम से पता चला था कि वार्ड 38 के अंदर लगभग 60-70 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है 2018 तक। आज जब हम यहाँ देख रहे हैं कि आज गलियाँ वही टूटी हुई गलियाँ हैं, बुरा हाल है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी गड़बड़े नजर आती है क्योंकि पहले भी हम नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं और इस क्षेत्र में भी मुझे भ्रष्टाचार की बू आ रही है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट हरियाणा सरकार की तरफ से बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिया गया है लेकिन इन गलियों के वही सबसे बदतर हालात है। इनकी सड़कों का आज तक नंबर नहीं आया और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे इन सड़कों का जो निर्माण है वो कब हुआ, कब उनका भुगतान हुआ, लेकिन मौके पर सड़कें नहीं बनी है। और भी बहुत सारी समस्याएं लोगों ने बताई है जो प्रॉपर्टी ID से, हाउस टैक्स से, फैमिली ID से संबंधित चीजें उन चीजों के लिए भी हमारे एजेंट भी हैं, साथी यहाँ से चुनाव की तैयारी भी यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ पे कैंप का आयोजन हम करेंगे जो इस तरह की जो छोटी मोटी इश्यूज हैं लोगों के उनका समाधान मौके पर करने का।